नमस्कार मेरा नाम साइनाथ छित्रे आज हम एक ऐसे अहम विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि हम आज समाज में देख रहे हैं कि पाँच साल की बच्ची पर अत्याचार हो रहा है आठ साल की बच्ची पर अत्याचार हो रहा है डोंबिवली जैसे बड़े शहर में एक चौदह साल की बच्ची पर तीस लोगों ने अत्याचार किया ये बहुत ही शर्मनाक बातें हैं तो कभी आपने इसका विचार किया है कि यह सब बातें क्यों हो रही है तो आज हम एक ऐसे ही इंसान से ये सब बातें पूछने जा रहे हैं कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है इस व्यक्ति ने लोगों का समाज का और सारी परिस्थितियों का इतना गहन अभ्यास किया है तो आज हम उन्हीं से पूछने जाते हैं आज हमारे साथ है गगन शिंदे जी नमस्कार गगन शिंदे जी तो स्वागत है आपका हमारे शो टॉक टॉर्स में गगन जी एक तरफ हमारा धर्म है और संस्कृति है जो हमें स्त्री की इज्जत करना सिखाता है और पराई स्त्री को भी हम माता और भगिनी का स्थान देते हैं तो दूसरी तरफ मुंबई और डोंबिवली जैसे बड़े शहरों में इतनी भयानक घटनाएं घट रही है लोगों ने सोशल मीडिया पर भी इतना गुस्सा व्यक्त किया है तो क्या लगता है आपको इन इस चीज़ों के पीछे की वजह क्या हो सकती है आ, तो साइना जी आ, ये जो चीज़ें हो रही है कि एक पाँच साल के बच्ची का बलात्कार हुआ एक चौदह साल की बच्ची का तीस लोगों ने मिल बलात्कार किया ये जो चीज़ें हो रही है ये क्यों हो रही है ये समझने के लिए हमें अपना समाज बहुत गहराई से समझने की बहुत ज़रूरत है हमारा समाज हमारी संस्कृति भले अपने को सिखाती है कि स्त्री की इज़्ज़त करना चाहिए औरतों को सम्मान रखना चाहिए बट जो साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग हमारी होती है युवाओं की होती है जो बचपन से मूवीज़ फिल्म्स, टीवी सीरियल्स ये सब देख देख के ऐसी ऐसी चीज़ें देख देख के बड़े हो रहे हैं कि जिसमें जो हवस की चीज़ें हैं वो बहुत ही कूट कूट के उनके दिमाग में भरी जाती है ये टीवी सीरियल्स और ये मूवीज़ की मूवीज़ के द्वारा और वही वही हवस जो एक रेप और बलात्कार का रूप ले लेती है अभी सब लोग बलात्कार नहीं कर पाते जो लोग मानसिक रूप से कमज़ोर होते जो अपने हवस को कंट्रोल नहीं कर पाते वो ही बलात्कार करते जी क्या सच में यह टीवी सीरियल्स मूवीज़ वेब सीरीज इन सारी घटनाओं के पीछे इतना अहम रोल निभाते हैं ये चीज़ समझने के लिए साइनाथ जी आपको ह्यूमन साइकोलॉजी जो है वो बहुत ही गहराई से समझना और सीखना बहुत ही ज़रूरी है कैसे होता है हमें बचपन से भले ही सिखाया जाता है कि औरत का सम्मान करना चाहिए या उसे माँ या बहन के रूप में देखना चाहिए हमेशा लेकिन जब हम ये सीरीज़ वेब सीरीज़ ये टी वी या फिर मूवीज़ देखते हैं तो इसका प्रभाव अपने दिमाग पे या अपने मानसिक दिमाग पे पूरा उल्टा हो जाता है जब भी हम कोई भी बालाजी की सीरियल या फिर उल्लू की सीरियल देखते हैं तो उसमें जो अश्लील चीज़ें और जो हवस वाली चीज़ें दिखाई जाती है जब भी हम जब भी कोई भी एक आम आदमी या फिर कॉमन मैन जब भी वो सीरियल देखता है तो वो अपने दिमाग में वही सेम चीज़ें हवस वाली चीज़ें अश्लील चीज़ें पिक्चराइजेशन करना चालू करता है और वही चीज़ें वो रियलिटी में भी लाना पसंद करने लग जाता है ये होता है कि जब भी उसके सामने कोई स्त्री रियल लाइफ में आती है उसके फ्रेंड के तौर पे या उसके कॉलिक के तौर पे या उसके क्लासमेट के तौर पे तो वो सब जो सीरियल अल्ट अल्टबलाजी की सीरियल या फिर उल्लू की सीरियल में जो भी अश्लील चीज़ें दिखाई जाती है जो भी मूवीज़ में वेब सीरीज में टी वी सीरील में जो भी अश्लील चीज़ें दिखाई जाती है वही वो व्यक्ति वही स्त्री के साथ वो अपने रियलिटी में वो लाना लाने का पूरा प्रयास करना चालू कर जाता है जो प्रोग्राम्स वो देखते हैं वो प्रोग्राम्स के वजह से ये सब चीज़ें उसके साथ होने लगती है और वो करने लगता है अभी जब भी उसका मानसिक रूप अगर कमज़ोर हो तो और स्त्री जब भी उसे कोई कुछ दे नहीं पाती है तो फिर वो जबरदस्ती करने लगता है और ऐसे ही जबरदस्ती करते करते एक दिन वही चीज बलात्कार के रूप में आ जाती है जो प्रोग्राम्स वो देखते हैं वो प्रोग्राम्स के वजह से ये सब चीजें उसके साथ होने लगती है और वो करने लगता है अभी जब भी उसका मानसिक रूप अगर कमजोर हो तो और स्त्री जब भी उसे कोई कुछ दे नहीं पाती है तो फिर वो जबरदस्ती करने लगता है और ऐसे ही जबरदस्ती करते करते एक दिन वही चीज बलात्कार के रूप में आ जाती है और क्योंकि यह सारी चीजें हमारे लिए नहीं है ये चीज डीपली समझने के लिए आपको सबकॉन्शियस माइंड जो है वो सीख वो उसको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है देखो हमारे जो लाइफ में चीजें होती रहती है वो 95% फाइव परसेंट सबकॉन्शियस माइंड के वजह से होती रहती है और जब बचपन से लेके आज तक हम लोग जो ऐसी हवस भरी चीज़ें देखते हैं वो पूरा वो सबकॉन्शियस माइंड कैप्चर कर लेता है और ये सबकॉन्शियस माइंड को सही क्या है या फिर गलत क्या है इस बात का पता नहीं रहता है कि या फिर रियल क्या है या फिर झूठ क्या है इस बात का पता नहीं रहता है वो सिर्फ़ और सिर्फ यही सोचता है कि ये मैं मेरे लाइफ में कैसे लाऊँ अभी जब ऑल्ट बालाजी पे या फिर उल्लू पे कोई सीरियल देखता है जिसमें बहुत ही हवस और अश्लील चीज़ें रहती है तब वो जो बंदा वो सीरियल देखता है तभी वो उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इसी बात पे फोकस करता है कि ये कैसे मेरे लाइफ में आए ये कैसे मैं मेरे लिए एक्सपीरियंस कर पाऊँ और ऐसे करने करने और समझने और सोचने में जब कोई स्त्री उसको नहीं दे पाती है वो परमिशन से जब भी उसकी मान्यता जब भी कोई स्त्री की मान्यता नहीं होती है तभी वही सबकॉन्शियस माइंड है वो जबरदस्ती करने लगता है और ऐसी ही जबरदस्ती करते करते ये एक बलात्कार का रूप ले लेता है गंजी, क्या हम ये टीवी सीरीज मूवी सीरीज और टेलीविजन की जो सीरीज है ये देखना बंद कर दें और अगर बंद भी करना चाहते हैं तो कैसे करें बेशक बंद करना ये सीरियल देखना ये बहुत ही अच्छा उपाय है जो बलात्कार हो रहे हैं वो उसे रोकने के लिए और जिस अगर हम सीरियल्स देखना ही बंद करें तो फिर बहुत ही कम चांसेस है कि ऐसी घटनाएं हमारे समाज में घड़े लेकिन ये सीरियल्स पब्लिक बहुत ही देखना आजकल पसंद कर रही है तो फिर इन्हें बंद करने के लिए हमें जो सबसे अहम कदम उठाना पड़ेगा वो ये है कि इनके जो अल्टरनेटिव्स हैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट टीवी वी मीडिया इस पर बहुत ही अल्टरनेट चीज़ें बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें उपलब्ध है तो हम अपना फोकस ऐसी अश्लील और हवस भरी चीज़ों से हटा के अगर उसमें लगा दें कोई अच्छी प्रोडक्टिव है जिससे हम कुछ सीख पाए तो फिर हम कुछ कर सकते हैं और हमारे समाज का कुछ अच्छा हो सकता है तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट ने ये उल्लू और बालाजी जैसे अश्लील प्लेटफॉर्म्स बंद कर देने चाहिए हाँ जैसे बाकी साइट्स गवर्नमेंट ने बैन करे है गवर्नमेंट बेशक बालाजी या फिर उल्लू जैसे वेब सीरीज़ भी बैन कर सकती है क्योंकि ये जो चीज़ें है ये जो अल्टबालाजी और उल्लू ये ये जो चीज़ें दिखाती है ये बहुत ही बहुत ही अश्लील और बहुत ही हवस पैदा करने वाली लोगों के दिमाग में सीरियल्स है और कहीं ना कहीं हमारे समाज में जो घटनाएं हो रही है इनका डायरेक्ट कनेक्शन यही सीरियल्स के ऊपर से है तो अगर गवर्नमेंट एक अहम स्टेप ले और ऑल्ट बालाजी और उल्लू जैसी चीज़ों को बैन करे तो हमारा समाज कुछ सुधर सुधर सकता है और आप आप खुद ही सोचो कि अगर बच्चे लोग दो तीन साल के चार साल के जिन जिनके हाथ में मोबाइल है अभी स्टडीज़ अभी स्कूल्स वगैरह सब मोबाइल पे इंटरनेट द्वारा हो रहे हैं तो अभी आप ही सोचो कि उन्हें डायरेक्ट एक्सेस है ये सब चीज़ों का घर में पेरेंट्स नहीं होते कभी कभी या फिर बच्चे लोग अपने कमरे में ये सब देखते रहते तो उनके उनको जो फ्री एक्सेस ये सब सीरियल्स का है आप ही सोचो कि ये सीरियल्स अगर वो वो उम्र में देखेंगे तो उनका भविष्य कैसा होगा उनके दिमाग में बचपन से अगर इतनी गंदी गंदी चीज़ें जो आल्टल और उल्लू दिखाता है अगर बचपन से उन लोग देखते रहेंगे तो सोचो कि जब वो जवानी में जाएंगे तो वो किस किस हद तक हापसी हो गए रहेंगे वुण जी, वुण जी, वुण इतने सालों तक तो हम देख रहे थे कि अठारह साल की ऊपर की महिलाएं या लड़कियों पर अत्याचार हो रहे थे पर इन कई पिछले दो तीन सालों से हम लोग देख रहे हैं कि पाँच साल की लड़कियां आठ साल की लड़कियां इतनी छोटी छोटी लड़कियों पर जो अत्याचार हो रहे इसकी वजह क्या हो सकती है जिसको बलात्कार करना होता है उसकी अगर साइकोलॉजी हम समझने की कोशिश करें तो वो हमेशा एक ऐसा शिकार ढूंढता रहता है कि वो इजी हो जो उसकी पकड़ में इजीली आए और जिसे उस बलात्कार करने में आसानी पड़े तो ये जो बच्चे लोग होते हैं उनमें शारीरिक क्षमता बहुत कम होती है जो जो और जो चीज़ जो ख़ुद का सेल्फ डिफेंस एक जवान औरत कर पाएगी उतना अच्छे से एक बच्ची नहीं कर पाती है और यही चीज़ों का फ़ायदा बलात्कारी जो पुरुष होते हैं यही चीजों का फायदा उठाते हैं और उनके दिमाग में वही चलता रहता है कि कैसे एकदम आसानी से हम बलात्कार कर पाए तो बच्चे लोग ज्यादा खुद का डिफेंस नहीं कर पाती है और यही इसी बात का फायदा ये बलात्कारी पुरुष उठाते हैं हमारा अगला सवाल है हमारी टीम ने कुछ रिसर्च की जिससे हमें पता चला है कि हमारे भारत में हर साल तीस से पैंतीस हजार नए रेप केस रजिस्टर होते हैं तो क्या वजह हो सकती है इसकी जो कि बढ़ते ही जा रहे हैं दिन-ब-दिन तीस से पैंतीस हज़ार जो केसेस है वो रिपोर्ट होती है ऐसे लाखों केसेस है जो रिपोर्ट भी नहीं होती है महिलाएं औरतें ये सब महिलाएं और औरतें डरती है और, केसेस रिपोर्ट करने के लिए तो ये सब केसेस अगर हमें कंट्रोल करने या फिर कम करने तो सबसे पहले हमें भारत में एक सेक्स एजुकेशन ठीक से चालू करना पड़ेगा बच्चों के लिए औरतों के लिए बड़ों के लिए सबके लिए इस सेक्स एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है इससे ये होगा कि अपनी जनता को पता चलने लगेगा कि ये सेक्स का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाता है और क्यों किया जाता है जो आप देखोगे कि भारत में आज सेक्स एजुकेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है कोई भी बच्चों को पूछो कि किसी किसी ने उसको सिखाया क्या तो उसे नहीं पता होता है वो बस सीखता है ये सब अश्लील चीज़ों चीज़ें देख के जो अल्ट बालाजी और उल्लू जैसी उल्लू जैसे प्लेटफॉर्म्स दिखाते हैं तो वो ऐसी हवस भरी चीज़ें देख के सेक्स के बारे में सीखने लगता है तो वो फिर उसको नेगेटिव वे में लेना लेने को शुरुआत करता है और ऐसे ही यही चीज़ें आगे जाके बलात्कार का रूप लेती है तो अभी सबसे पहले ये चीज़ें रोकने के लिए हमें सबसे पहले ये जो ऐप्स है ये सब हमें सब तुरंत बंद कर देने चाहिए ये उल्लू बोलो या फिर अल्ट जी बोलो ये सारे जो ऐप्स है और वेब सीरीज़ है जो अश्लीलता दिखाते हैं और जो पब्लिक के दिमाग में सिर्फ हवस और हवस निर्माण कर रहे हैं ये सारी चीज़ें बंद करनी है और दूसरी बात हम कर सकते हैं कि हमें जो पनिशमेंट्स होती है जो सज़ा होती है बलात्कार करने वालों के लिए तो वो हमें थोड़ी सीवियर करनी है वो थोड़ी हमें और उसे थोड़ा इतना ऐसे ऐसी ऐसी पनिशमेंट्स हमें रखनी है बलात्कार करने वालों के लिए कि कोई भी व्यक्ति कोई भी कोई भी व्यक्ति हो वो दस बार दस से दस से बीस बार सोचे वो करने से पहले अब बाहर के कंट्रीज़ में देखो बाहर के कंट्रीज़ में इतनी सीवियर पनिशमेंट है कि वहाँ पे रेप बहुत ही कम होते हैं लेकिन यही चीज़ हमारे भारत में नहीं है हमारे भारत में बहुत ही कम सज़ा है और इसी के कारण यही चीज़ बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहित करती है बलात्कार करने के लिए तो अगर सज़ा बहुत सीवियर हो तो फिर वो वो व्यक्ति बलात्कार करेगा ही नहीं और इस तरह हम लोग ये जो केसेस है वो कम कर सकते हैं तो पनिशमेंट्स हम रखें रेप करने वालों के लिए ये सभी के लिए समान होनी चाहिए कोई नेता का बेटा हो कोई पुलिस वाले का बेटा हो ये किसी भी प्रकार का यहाँ पे भेदभाव नहीं होना चाहिए और जब हम पनिशमेंट्स और ज़्यादा सीवियर करें और सब लोग के लिए एक समान पनिशमेंट्स रखें तो ये जो रेप जो हो रहे वो कम हो सकते हैं तो गगन जी आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे शो टॉक अस में आए और हमारे प्रेक्षकों को इतना अच्छे से मार्गदर्शन किया तो आपको फिर से एक बार धन्यवाद तो गन जी आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। और सेशन ख़त्म करने से पहले कसम खाते हैं कि ये सारी चीज़ें हम भी नहीं करेंगे और हमारे आसपास कहीं हो रही हो तो उसे होने नहीं देंगे धन्यवाद धन्यवाद साइना जी बेशक जो शुरुआत होती है वो खुद से ही होती है तो हम खुद ही आज कसम खाते हैं कि ऐसी अश्लील चीज़ें हम नहीं देखेंगे और जो हमारे मन में हमेशा हवस की भावना पैदा करते हैं और हमारे बच्चों को भी हम यही संस्कार देंगे कि ऐसी अश्लील चीज़ें ना देखें धन्यवाद